के पहले दिन से लेकर शरद पूर्णिमा तक मां बागेश्वरी शक्तिपीठ के मंदिर में धूम खूब रही। यहां भक्तों का तांता दशहरे पर्व के बाद भी लगा है। नवरात्रों में पहले दिन से 9 दिनों तक अलग अलग वेशभूषा में मां बागेश्वरी का मनोहारी अवतार मां बागेश्वरी के भक्तों को हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। भक्तगण दूर दूर से मां बागेश्वरी के दुर्लभ दर्शन लाभ लेने आते हैं। परिचित लोकोक्ति है कि मां बागेश्वरी का अस्तित्व महाभारत काल से अस्तित्व में है। भक्तगणों की आस्था है कि मां बागेश्वरी के दर्शन कर मनोरथ धारण करने वाले भक्तगण कभी भी मां बागेश्वरी से खाली हाथ नहीं लौटते हैं। मां बागेश्वरी भक्तों की अनेक मान अविलंबता से पूर्ण करती है। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में स्थित बागनगर में सुरमई पहाड़ी पर स्थित मां बागेश्वरी का आकर्षक गगनचुंबी मंदिर में देश के विभिन्न राज्यों से भक्तगणों को आकर्षित करता है। मां बागेश्वरी शक्तिपीठ के महंत श्री राम शर्मा से जब वंदे भारत के संवाददाता ने मां बागेश्वरी से जुड़ी विस्तृत जानकारी चाही तो महंत श्री राम शर्मा ने मां बागेश्वरी से जुड़ी प्राचीन हकीकत विस्तार से बताई। हम इस बागेश्वरी देवी जी शक्तिपीठ मंदिर के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं जी। ऐसा मैंने सुना भी था कि यह आपकी सेवा करते करते बागेश्वरी देवी की 11वीं पीढ़ी है जी। हम लोगों की 11वीं पीढ़ी, सही बात ही है जी। और जो लोकोक्ति है माता के मंदिर के संबंध में उसके बारे में विस्तार बताइए महाराज। बागेश्वरी देवी शक्तिपीठ मंदिर 52 शक्तिपीठ मंदिरों में एक आता है। अंग भंग जो भगवती के हुए थे यहाँ पर बताते हैं कि चोटी वाला हिस्सा गिरा था भगवती का, इसलिए इसको शक्तिपीठ मंदिर की मान्यता प्राप्त है जी। और ये महाभारत कालीन भी जी जी हमारे नगर बाग को विराट नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे किसी समय पूर्व में राजा विराट राज किया करते थे। अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उन्होंने राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था। उसी दौरान राजा विराट के साले कीचक की हत्या भीम द्वारा बागेश्वरी देवी जी शक्तिपीठ मंदिर में ही की गई है। इसके प्रमाण भी पुरातत्व विभाग वगैरह में प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, भक्तगण कितने दूर से यहाँ दर्शन लाभ लेने आते हैं? यहाँ सब ये बागेश्वरी मंदिर जो माता जी है ये 184 समाज की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, आपके राजस्थान, दूर दूर से लोग आते हैं माता जी को पूजने के लिए जी। तो नवरात्रों में किस विधान से माता की सेवा पूजन होता है? नवरात्रि में माता जी का 9 दिन का ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माता जी की नियमित 5 आरती का आयोजन होता है, जिसको हम पहली आरती को बोलते हैं काकड़ा आरती, जो सुबह 5:15 पे होती है। उसके बाद 7:05 पर हम मंगला आरती के रूप में आरती करते हैं। 11 बजे माता जी को जो 9 दिन हम नियमित तरह तरह के मिष्ठानों का भोग लगाते हैं उसको राजभोग आरती के नाम से हम करते हैं। शाम को संध्या आरती होती है 7 बजे और रात्रि को शयन आरती 9 बजे की जाती है। अच्छा जी, और चैत्र नवरात्रि में भी कोई उत्सव होता है माता जी? चैत्र नवरात्रि में भी इसी प्रकार का सब उत्सव होता है। उसमें स्पेशल एक ये रहता है कि जो अष्टमी के बाद जो भी सोमवार आता है, चूंकि सोमवार हमारा एक मार्केट डे माना जाता है, महाअष्टमी के बाद जो भी सोमवार आता है उसको माता के हाट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें आसपास के दूर दराज से हमारे आदिवासी भाई जिस भी इलाकों में रहते हैं, जैसे वो कोई जयपुर गया हुआ है, कोई गुजरात गया हुआ, कोई राजस्थान गया हुआ, कोई पंजाब गया हुआ, वो स्पेशल उस दिन सिर्फ एक नारियल फोड़ने के लिए यहाँ आते हैं और उसको सबसे बड़ा अनुष्ठान कह सकते हैं उस दिन का, जिसको हम माता का हाट बोलते हैं। बाग से ब्रज